नमस्कार, आज इस वीडियो में बात करेंगे सब्जी में तेल ज्यादा हो जाने पर क्या करें जिससे तेल का संतुलन एकदम सही मात्रा में हो जाए। लेकिन जानने से पहले, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो HS विद लक्ष्मी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप सभी को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर सब्जी में तेल ज्यादा हो जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा। सबसे पहले सब्जी को ठंडा होने दें, फिर एक या दो बर्फ के टुकड़े सब्जी में डालें। बर्फ तेल को जमा देगा, जिसे आप आसानी से चम्मच से तेल निकाल सकते हैं। कागज, सब्जी की सतह पर कागज या तौलिया रखें। कागज का तौलिया अतिरिक्त तेल को सोख लेगा। आपको कागज के तौलियों को बदलते रहना होगा, यह कि सारा तेल सोख न जाए। आलू, एक छोटा उबला हुआ आलू सब्जी में मैश करके डालें। आलू तेल को सोख लेगा और सब्जी का स्वाद बेहतर बना देगा। बेसन, एक चम्मच बेसन में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सब्जी में डालें और अच्छी तरह मिलाइए। बेसन तेल को सोख लेगा और सब्जी को गाढ़ा बना देगा। ब्रेड, एक ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इन टुकड़ों को सब्जी में डालें और कुछ देर पकने दें। ब्रेड तेल को सोख लेगा, सब्जी का स्वाद बेहतर बना देगा। इन उपायों का उपयोग करते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्वाद अनुसार मिलाते रहिए। अगर आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए कि यह सब्जी के स्वाद को बदल सकता है। इन उपायों के अलावा आप कुछ अन्य प्रयोग कर सकते हैं। अगर सब्जी सूखी है तो उसमें थोड़ा पानी या ग्रेवी डाल सकते हैं। आप हरी धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती डालकर सब्जी का स्वाद बढ़ा सकते हैं। अगर सब्जी में टमाटर है तो आप टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन उपायों से आपकी सब्जी का स्वाद बेहतर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियोज पसंद आए हो तो वीडियोज को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें।